बालवीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं अचानक मेरा पेट ठीक हो गया। बालवीर, तुमने कर दिखाया, तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। मैंने नहीं, मैं हम दोनों ने कर दिखाया। थैंक यू वेरी मच बाली। परी तारा है कहाँ? पहले में तो लिखा था कि गुफा से बाहर निकलते ही परी तारा मिल जाएगा। हाँ, परी तारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। और एक पहले हमारे सामने तो नहीं आ रही। पता नहीं, शायद। मेहर, तुम्हारे आधे चेहरे पे नीली रोशनी दिखाई दे रही है। तुम्हारे भी? अभी नहीं मिला है। नहीं मिला तो क्या मिलेगा? तब जब जल जाएगा ये सारा भयानक लोग ज्वालामुखियों के लावा से। चुप बेवकूफ। बालवीर को अभी तक परितारा मिला नहीं है, मगर वो परितारा के बहुत करीब है, बहुत करीब। अरे वाह, है ऐसी बात तो बनवा लीजिए दो बढ़िया से सिंहासन, एक आपका और एक इस ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री का। हाँ, लेकिन बनवा लीजिए दोनों बिल्कुल एक जैसे। है मेरा मतलब कि बड़ा सिंहासन आपका और छोटा सिंहासन मेरा। कितनी मजेदार बात है तबा तबा कि बालवीर मुझे हराने के लिए मेरे ही कहने पर मेरे लिए ही परितारा लेने चला गया। कुछ लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन बालवीर वो तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मार रहा है। बेचारा बी 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 भोला भाला बच्चा। परी को अपने किए की सजा भी मिल जाएगी। मेहर, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन परी तारा अभी भी हमसे बहुत दूर है और वहां तक पहुंचना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये जो तालाब है वो माया भी है। अगर इसमें कोई भी चीज गिरेगी तो वो बर्फ बन जाएगी। बर्फ? मुझे समझ में नहीं आ रहा इस तालाब को कैसे पार करूं। मकड़ी का जाला उस पेड़ पे। अब यही जाला मुझे परी तारा तक पहुंचाएगा। मकड़ी का जाला? तुम खुशी से पागल हो गई हो क्या? मकड़ी का जाला तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुको, ये तालवीर ने तो मेरे पे बार बार कूद कूद के ही वाट लगा दी है। उसको मैंने दो बार बुलाया और वो दोनों बार मैं कंधों पे आके कूद गया और कंधों के साथ मेरे घुटनों की भी वाट लगा के गया। इसमें तालवीर की कोई गलती नहीं है, रुमाल की गलती है। रुमाल हवा की वजह से तेरे पैरों के नीचे आ गया और तालवीर सीधा रुमाल पे आके कूदा। हाँ यार, अभी तालवीर को बुला के उसको रिक्वेस्ट करो कि वो आके मेरे ऊपर ना कूदे। अभी भी उसको बुलाने के लिए रुमाल तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो सीधा रुमाल पे एंट्री मारेगा।
पर फिर से अगर रुमाल हवा की वजह से मोंटू के पैरों के नीचे आ गया तो? नहीं 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 नहीं, मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मोंटू, मेरे पास एक आइडिया है, बिना रिस्क वाला। क्यों? सुना, तू भी सुन। अपन लोग है ना, ये रुमाल पे एक पत्थर रख देंगे, फिर वो रुमाल हिलेगा भी नहीं और तू भी बच जाएगा। हाँ यार केवल, क्या आइडिया दिया तूने, वाह। जा जल्दी जा। बालवीर भी आएगा, बजाओ। बस हो गया शुरू। अरे बजाओ मन लगा के, आग बंद करके बजाओ। तालवीर की तो एंट्री एकदम धमाकेदार होनी मांगती है। बस अब भी आग बंद करके नाचो। हाँ चला गया, अभी 5 मिनट में हम रूप बदलने वाले और ये डूबा डूबा कहीं गायब हो गया है। हाँ जरूर हीम क्रीम के लालच में कहीं भटक रहा होगा। हे भगवान, अगर उसे रूप बदलते हुए किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। कहाँ तुम? इधर हूँ। अरे कहीं गड़बड़, कहीं गड़बड़। डूबा डूबा कहाँ थे तुम और कैसी गड़बड़? अभी भी है हमारे पास 5 मिनट रूप बदलने के लिए और अभी भी तुम बल्लू ही हो तो कैसी गड़बड़? हो गई मुझसे हरकत डूबा डूबा वाली। कहा था जिमी की मम्मी ने घुमाने के लिए जिमी को बगीचे में, पर मैंने घुमा दिया जिमी को उठा के। क्या बोला था जिमी की मम्मी ने? चुप ना समझ। तुमसे कितनी बार कहें कि पृथ्वी लोक में जो तुमने ना समझा है वो मुझसे पूछा करो। वैसे जिमी ठीक तो है ना? है जिमी ठीक, पर नहीं है जिमी की मम्मी ठीक। क्यों, तुमने जिमी के साथ मम्मी को भी घुमा दिया? नहीं, वैसे है जिमी की मम्मी बहुत गुस्से में, आ सकती हो यहाँ किसी भी समय। क्या है जिमी की मम्मी? बहुत चुप, बिल्कुल चुप। अब 5 मिनट में हम असली रूप में आने वाले और अगर जिमी की मम्मी तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गई तो हम पकड़े जाएंगे। डुबा डुबा जल्दी से दरवाजा बंद करो, मैं कुछ सोचती हूँ। करता हूँ अभी। अरे
पकड़ा गया बदमाश, पकड़ा गया। हाँ, लगता है डुबा डुबा पकड़ा गया, लेकिन कैसे? अभी तक तो मेरा रूप नहीं बदला, फिर उसका कैसे बदल गया? नहीं गया पकड़ा मैं, है पांच मिनट बाकी अभी। अरे पांच मिनट नहीं, अभी एक मिनट के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कब से भगा रहा है मुझे? दादी, इसे छोड़ दो ना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे गड़बड़ तो इसके व्याकरण में हो गई है, सब उल्टा पुल्टा बोलता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। आज इसे व्याकरण सिखा कर ही रहूंगा मैं। चलो आज तो मैं तुम्हें व्याकरण सिखा कर ही रहूंगा। किधर है, किधर है दादाजी, किधर है? दादाजी इधर है, लगता है आपकी आंख कमजोर हो गई है। हमारा आंख एकदम ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि दादाजी वो किधर है? आपका भी व्याकरण गड़बड़ है, अल्प विराम नहीं लिया आपने। वो किधर है ने? वो मंदिर गई है, और मुझे मालूम है आप शक्कर या दूध मांगने के लिए आई, लेकिन वो मैं आपको नहीं देख सकता क्योंकि वो मंदिर गई है। बाबू मुशाए, दूध और शक्कर हमारे घर में खूब है। शक्कर है मतलब शुक्र है, चमत्कार हो गया, आप कुछ मांगने के लिए नहीं आई, तो फिर क्या चाहिए आपको? अम्मा की वो बदमाश बुल्लू का बच्चा चाहिए। क्या मजाक कर रही है आप? आपको बुल्लू का बच्चा चाहिए? उसके लिए तो है ना आपको 15-20 साल इंतजार करना पड़ेगा। बाबू मुशाए, हम इधर मजाक करने नहीं आए हैं, एकदम सीरियस बात करने आए। सबसे पहले तो तुम इसको बाहर निकालो, जिसको तुमने पीछे छुपा के रखा है, निकालो इसको बाहर। छुपा के नहीं, इसको पकड़ के लाया हूँ, आज है ना इसकी व्याकरण ठीक करनी है। अरे तुम क्या ठीक करेगा? व्याकरण ठीक तो हम करेगा। व्याकरण? बाबू मुशाए, तुमको मालूम आज क्या हुआ? आज हमारा नन्ना मुन्ना, वो जो जिमी है, वो घर में बैठ के रसगुल्ला और चमचम खाते वो बोर हो गया था, तो आम बोला ये बल्लू से कि ले जाओ इसको जरा पार्क में घुमाओ। लेकिन ये बल्लू पता है क्या किया? उसको मेरा बेटा को ऐसा गोल गोल पंखा जैसा घुमा दिया। अभी देखो। बालवीर, ये क्या खेल रहे हो तुम? मैं खेल नहीं रहा हूँ। हे भगवान, गुमान तक पहुंचा देना। सामने वाले बाहर में और परी तारा ले जाएंगे। मेहर, हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत खतरे वाला काम है और मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। पर बालवी, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं समय व्यर्थ मत करो, इसका दूसरा छोर पकड़ के उस पेड़ पे बांधो। ये लो, ये ले जाओ, ये उस पेड़ पे बांधो, जाओ पेड़ पे। हाँ मैं जाओ जल्दी। ठीक है। मजाक कर रही है आप? आपके जिमी का साइज देखो, मेरे बल्लू का साइज देखो, वो उसे कैसे गोल गोल घुमा सकता है? हाँ बाबू मुशाए, यही मेरा पोता है। ये आपका पोता नहीं है। क्या बोल रही हैं आप? आज के बाद दोबारा ये बात मत बोलना। अरे इसने इस घर में जन्म नहीं लिया तो क्या हो गया, लेकिन ये मेरा पोता ही है। नहीं बाबू मुशाए, आप समझ नहीं रहे हैं, ये आपका पोता नहीं है। हाँ मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो हाथी की मम्मी। अरे खून का रिश्ता ही असली रिश्ता नहीं होता है, उससे बढ़कर भी कई रिश्ते होते हैं। नहीं बाबू मुशाए, वो कुछ है नहीं, ये बलून नहीं है। समझ गया, सारी कॉलोनी जो तुम्हारे बारे में बात करती है ना, वो सही है, क्योंकि तू मैं ना किसी की खुशी नहीं देख सकती, तुम्हें हर दाल काली और हर आंख में बाल दिखाई देता है। बाबू मुशाए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, जो आपने अपने पीछे छुपा के रखा है ना, वो आपका पोता बल्लू नहीं है। वो बड़ा अजीब है, वैसा मानुष मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। अरे तुमने पहली बार ही देखा होगा, सच्चे और अच्छे लोग है ना, दुनिया वाले को अजीब ही दिखाई देते हैं।
उसके लिए ना दिल की नजर चाहिए, लेकिन तुम्हारी दिल की नजर तो जाने दो, तुम्हारी तो आंखों की नजर भी कमजोर हो गई है, इसीलिए तुम्हें सब अजीब अजीब दिखाई दे रहा है। अरे चुप ना, तुम पागल हो जा भी। ये जिसको अपने पीछे छुपा कर रखा है ना, ये आपका पोता ने यही है मेरा पोता बल्लू। पोता बब बालवी, लेकिन तुम जाओगे कैसे? इससे वाह बालवी, तुम्हारे पास कितने मस्त मस्त आइडियाज होते हैं। मैं अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही परी तारा लेकर वापस आता हूँ। ऑल द बेस्ट बालवीर, ऑल द बेस्ट। बालवीर आगे जा रहा है ना, मेहर पता है। खुश रहो परी तारा, इस ब्रह्मांड के सारे प्राणियों में अपनी ऊर्जा से जीवन भरने वाले अद्भुत परी तारा को रानी परी का धन्यवाद। मैं हर साल आपके सामने शक्ति संचय की साधना करती हूं और आप हर साल अपनी कृपा मुझ पर बरसाते हैं। इस साल भी आपने जो मुझे दिव्य ऊर्जा दी है, उसको मैं पूरे साल भर तक सबके हित और भलाई के लिए उपयोग करूंगी। आप अपनी कृपा सदा बनाए रखें और हर साल अपनी शक्ति प्रदान करते रहे। सत सत नमन। रहो परी तारा, कितनी उदासी छा गई है ना परीलोक में। विजदार परी, बाल परी, ये देखिए कितने सारे सफेद मोती। परी लोक में सारी परियां दुखी हैं और जब भी कोई परी रोती है तो उनके आंसू सफेद मोती बन जाते हैं। हाँ भटकाती परी, परी बाग में जगह जगह सफेद मोती बिखरे पड़े हैं। और मैं ये मोती वहीं से लाई, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। हमें जल्द से जल्द सारी परियों के दुख कम करने पड़ेंगे, नहीं तो परी बाग में एक दिन हरी घास की जगह सफेद मोदियों की चादर बिछ जाएगी। पर हम कर भी क्या सकते हैं भटकाती परी, आप तो जानती हैं कोई भी परी अपनी मर्जी से रोती नहीं है, वैसे ही कोई भी परी अपनी मर्जी से अपने आंसू भी नहीं रोक सकती। कैसी अजीब सी स्थिति है, एक तो रानी परी अपनी शक्ति संचय साधना से बाहर नहीं आई, अगर वो हमारे साथ होती तो हमें इतनी मुश्किलों का सामना कभी नहीं करना पड़ता। परियों, खुश रहो परी, खुश रहो परियों। क्या हुआ, सब ठीक तो है? इतने सारे मोती? नहीं रानी परी, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.